मैं खिलाफ हूँ इस बात, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। जो बात आपकी, मैंने जिंदगी में किसी की नौकरी नहीं, आपकी नौकरी की है। और आप अगर इससे किसी देखते हैं खानदानों की तरफ देखेंगे तो वो कहते भी मर्जी है आपकी, करवाए ना करवाए, बिल्कुल सही बात है, आप करवाए ना। लेकिन आपके हालात ऐसे बना देंगे कि आपको करवाना, आपके सामने कोई चारा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए करते कोई खास बात नहीं, आपका ठीक है, करवाओ नहीं तो नहीं। चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी है इसलिए भी नहीं, हम एक ही बात के लिए उनका सम्मान करते हैं कि चौधरी बंसीलाल की पोती है जिसकी वजह से यहाँ सड़क बिजली और पानी उसकी मेहरबानी से आया, इसलिए हम उनकी पोती का सम्मान करते हैं और आशा भी करते हैं ज्यादा से ज्यादा इस धरने को सफल बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रुति जी आए और उन पर विचार रखें। मेरी आदरणीय और प्यारी बहनें, भाइयों को बहुत नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में आपको नमन करने आई हूँ और आपका समर्थन, आपको समर्थन देने आई हूँ। बहुत ये पीड़ा की बात है कि आज 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जहां आप लोग मजबूर हो बैठने के लिए और इस सर्दी के अंदर ठिठुरते हुए अपना काम और अपना घर छोड़कर आपको सरकार से टक्कर लेनी पड़ रही है। ये वो सरकार है जो आपके बलबूते पे जीत के आई है, ये वो लोग हैं, ये वो नेता है जिनकी जो महत्व है वो आप लोगों की वजह से। बड़ी बड़ी हुकूमतें लोगों के सामने झुकती हैं और झुकना चाहिए क्योंकि लोगों से ही नेता बन के आते हैं। और जिस दिन नेता अपने आप को भगवान समझने लग गए तो उस दिन उन नेताओं का भी गरूर भगवान ही तोड़ता है लोगों के जरिए से। दुख की बात है कि जहां प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, जहां अंबानी के घर में अगर कोई शादी हो तो दो दो बारी जाते हैं, अडानी जी की फैक्ट्री कोई लग रही हो तो वो तुरंत गुजरात जाते हैं, लेकिन 20 कदम चलकर किसानों के पास, अपने लोगों के पास, जिसके बलबूते पे वो आज खड़े हैं, जहां 60 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, उनके पास नहीं जाते। ये वाकई में एक बहुत पीड़ा का विषय है। और जब मैं सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से ये 3 काले कानून इस महामारी के वक्त लागू किया, जहां पहले ही लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, वहां और परेशानी थोपी जा रही। आज किसान अपनी लड़ाई अपने बचाव के लिए लड़ रहा है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, आप अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। और तब भी इनमें कोई नम्रता नहीं है और आपके प्रति अपनी ड्यूटी नहीं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे मालूम है,
लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी इसी मट्टी के आप के लोग थे वो, और किस सपने के साथ उन्होंने इस प्रदेश में मेहनत करी थी, और उनके उनकी पोती होने के नाते, जैसे आपने कहा उनकी बेटी होने के नाते, मैं आपको कहना चाहती हूं कि अंत तक मैं आपके साथ खड़ी हूं। इतना ही कहकर मैं यही कहूंगी कि पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आगे लड़ाई बाकी है, और इस ऐसे लोगों को जरूर झुकाइएगा जो भूल गए कि वो किस काम से और किस कर्म की वजह से वहां पे खड़े। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जितने भी वर्कर्स हैं, वैसे तो आते हैं, लेकिन मैं सबको कहूंगी कि यहाँ पे जरूर आए, यहाँ पे आपको और भी यहाँ पे शक्ति दें। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जैसे जिन प्रकाश से जिस प्रकार ऐसी किसान रचना पड़ रहा है, टक्कर लेनी पड़ रही है सरकार से, ये लोग जिस प्रकार से सरकार ये काले कानून लाई मजबूर हो गए कानून वापस। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि सांसद रहे हैं और विधायक की बात की प्रक्रिया से पूरा हुआ, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं, क्या इतनी ज्यादा मुश्किल हो रही है कि कानून वापस नहीं, कोई तो प्रक्रिया होगी इसके लिए? देखिए ये लोग भूल गए और वो भी आप जब भूल जाएगी, जब उनके लिए देर हो जाएगी लोग उनका ये जो गरूर है तोड़े और ये कानून वापस ले। मैं बात प्रक्रिया की, तो प्रक्रिया क्या हो सकती है, क्या आसान है कानूनों को वापस लेना या बड़ा मुश्किल है? एंगेज करें, लोगों से बात करें और पूरी तरह के तरीके से इसको विधिपूर्वक इसके कानून, जैसे लगातार बात की जा रही है कि संसद के सत्रों को भी अब पोस्टपोन किया है, कैंसिल किया है, तो ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? कि हर तरीके से लोकतंत्र की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है, और ये बार बार वही बात सामने आ रही है कि ये इनको बहुत ये बात महंगी पड़ी। किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी, और जिस दिन किसान खड़ा होता है उस दिन हुकूमतें बदलती हैं। लगातार बातचीत का दौर है, कल फिर से बात, क्या लग रहा है कि क्या सरकार कहीं पर भी किसी भी चीज के ऊपर राजी हो सकती है? देखिए किसानों की बात अगर नहीं माने और किसानों की पीड़ा नहीं समझे तो किसान मजबूर है वो आंदोलन चलाए। एक आपको और बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो लोग हैं, काफी लोगों के अंदर एक सवाल था लगातार, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के नेता रहे हैं और लगातार पिछले काफी समय से इन चीजों के ऊपर बहस चल रही थी, पहले भी किसान आवाज उठाते रहे और पिछले एक महीने से तो लगातार आंदोलन चल रहा है। उनका कहना है कि पहले नहीं, क्या दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ पे आने के बाद फिर वो तथा स्वरूप हुआ? मेरा पूरा योगदान अगर आप आज की बात करें तो आज आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आई, आप वापस आ रही हैं, आपके कार्यकर्ता भी आपके साथ ही खड़े हो चुके हैं, ऐसे ही जो हमने देखा था दीपेंद्र हुड्डा है तभी उनके साथ ऐसा हुआ, आपकी मदर किरण चौधरी यहाँ पर आई तभी उनके साथ ऐसा हुआ, ये साथ ही साथ जितने भी जो सपोर्टर थे वो साथ ही निकल गए, तो ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो तो आपके सपोर्टर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट पूरा है और ये लोगों का आंदोलन है, इसको इतना आप कमजोर मत मानिए। चलिए देखिए।